हेलो गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा और टाइटल तुमने आपने पढ़ ही लिया होगा। इस पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें से आप कमेंट्स पढ़ सकते हो जाके। कुछ लड़कियों ने कहा उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और कुछ लड़कियों की कंप्लेन आई मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे, मुझे पर्सनली मैसेजेस में और कमेंट्स में। तो देख ही लिया होगा आपने, मैंने 15 दिन ट्राई किया मुझे रिजल्ट नहीं मिले, मैंने 15 दिन ट्राई किया मुझे रिजल्ट नहीं मिले, और कुछ कैसे भी आए मैम ये तो मैजिकल ड्रिंक है, मुझे एक्चुअल में इसके इफेक्ट मिले। तो क्राइटेरिया कैटेगरियां बहुत सारी होती है, कुछ लोगों पे कुछ चीजें सूट करती हैं कुछ नहीं करती हैं। तो एक नई रेमेडी के साथ आई हूँ और इसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, ठीक है ना। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी ड्रिंक जो आपकी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ती है। इससे पहले कि वो तरीका बताऊँ कि कैसे बनती है, किन चीज़ों से बनती है, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि मेथी दाने को लेकर बड़ी लड़कियों ने बोला, मैम मेथी दाना तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मेरे को थोड़ा स्टूपिड भी लगा क्वेश्चन कि मैम कहीं मेरा ब्रेस्ट से मिल्क तो नहीं निकलना शुरू हो जाएगा। जब माएँ जो बच्चा पैदा करती है उनके ब्रेस्ट से दूध निकलता है तो वो इसलिए निकलता है क्योंकि बच्चा सक करता है, राइट, उनके ब्रेस्ट को सक करता है। अब जब ऑब्वियसली जब किसी की शादी नहीं हुई है, उसके बच्चे नहीं हुए, तो उसके ब्रेस्ट से मिल्क कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा तो, और एक तो एक कैटेगरी जिनका इतना स्टूपिड सा क्वेश्चन, स्टूपिड ही लग रहा है मेरे को ये, बट स्टिल इज्जत करती हूँ उनके क्वेश्चन की। दूसरी, मैम इससे वेट लॉस तो नहीं हो जाएगा, मैं वैसे ही बहुत पतली हूँ, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा देखने को आया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको, लाइक कमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को एक कमेंट मिल जाएगा, मैं तो ऑलरेडी पतली हूँ, मेरे को सिर्फ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करनी है, कहीं मैं पतली तो नहीं हो जाऊँगी। मैंने उस वीडियो में साफ साफ कहा था, लोग पता नहीं क्यों वीडियो ढंग से नहीं देखते, तो इसीलिए वीडियो आप पूरे ध्यान से देखना। अब ये क्योंकि वाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों आपको चाहिए है कि आपको जो है ब्रेस्ट आप खुश नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये बहुत सारी हार्मोन्स की वजह से चीज़ें होती हैं। जब आप प्यूबर्टी रीच करते हो, जब आपको पीरियड्स आना शुरू होता है, लड़कों को दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है, लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का विकास होना शुरू हो जाता है। लड़कियों का जो आप ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, जब पता लगने लग जाता है कि ये लड़की है या लड़का है, डिफरेंस पता लगने लग जाता है, पीरियड्स आते हैं, 12-13 साल से शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी 13 के साल से और 17-18 तक चलती है, 4-5 साल का एक टाइम होता है, इस टाइम में ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनकी फुल बॉडी ग्रोथ हो जाती है लेकिन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं होती, और वहीं कुछ होती है जिनके हार्मोन कुछ ऐसे होते हैं कि बाकी बॉडी पतली होती है लेकिन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो जिन लड़कियों की दिक्कत है कि बाकी तो उनकी बॉडी ठीक है लेकिन ब्रेस्ट साइज बिल्कुल नहीं है, उनके लिए वीडियो होने वाली है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉपर एक परफेक्ट फिगर हम तभी मानते हैं, हम लड़कियां होती हैं, हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे ना दे, हमने कुछ पहना है, हम चाहते हैं कि हम पे वो फिटेड आए, हम पे पूरा है, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के आकार से ही तो कपड़े आप पे फिट आते हैं, राइट। तो वही चीज़ की इट्स पूरा झंझट ही उस चीज़ का है। ज़्यादा हो तो दुपट्टे से ढकना पड़ जाते हैं कि इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा और लगता है, पूरी बॉडी पे नजर जाती है। कम करने के लिए भी ड्रिंक्स मैंने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हाउ टू रिड्यूस ब्रेस्ट, आप साइज कैसे ड्रॉप कर सकते हो अपना ब्रेस्ट का अगर बहुत ज़्यादा है, और अगर कम है उस पर और भी वीडियोज हैं, पर जो ये ट्राई करना चाहे वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपने क्या गोंद कतीरे के बारे में सुना है? गोंद कतीरा, जी हाँ, गो टू गूगल, यू कैन रीड अबाउट इट। ये फीमेल का सेक्सुअल हेल्थ के लिए, जी मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, फीमेल के भी मर्दों के लिए भी, और ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। तो अगर आप भी अपनी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करना चाहते हैं, गर्मियों के दिन है, ये परफेक्ट 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 टाइम होने वाला है इसको पीने का, क्योंकि तासीर जो गोंद कतीरे की होती है वो हल्की ठंडी होती है, तो 1.5-2 महीना आप इजिली कंटिन्यू भी कर पाओगे, आपको रिजल्ट भी मिलेगी। अब पीना कैसे है? गोंद कतीरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं अमेजोन का लिंक डाल दूंगी, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, अगर आपको पंसारी की दुकान पर मिलता है वहां से भी ला सकते हो। गोंद कतीरा, इस गोंद कतीरा कोई वैरायटी नहीं आती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, दुकान पे मिल जाएगा, सस्ता ही आता है, 40-50 रुपए का, 50 की ग्राम 100 की ग्राम आता है, इट्स सस्ता। करना क्या है आपने, कि आपने एक चम्मच गोंद कतीरा एक कटोरी पानी में डाल दिया। आपको पता है गोंद कतीरा पानी में डालने पर फूल जाता है। सपोज आपने सुबह, सपोज क्या आपको ये ड्रिंक सुबह खाली पेट पीनी है, राइट, तो आपने करना ऐसा है कि रात को एक चम्मच गोंद कतीरा को एक कटोरी पानी में डाल देना है, सुबह तक आप देखोगे बिल्कुल जल जल, जैसे इसबगोल सिलेनियम हस्क हो जाता ना, फूल जाता है, वैसे ही सुबह तक ये फूल चुका होगा वो एक कटोरी। अब उस एक कटोरी में से फूल के डबल हो जाता है, मतलब डबल ट्रिपल हो जाता है, अगर एक चम्मच ज्यादा था वो 3 चम्मच बन जाएंगे, पर आपने एक चम्मच से ज्यादा नहीं पीना है, एक बड़ा चम्मच हो गया। सुबह आपने लेना है रूम टेम्परेचर पे दूध, दूध में आप चीनी गुड़ जो डालना चाहे वो आपकी इच्छा है,
सुबह आपने लेना है एक गिलास दूध, एक गिलास दूध में एक चम्मच गोंद का तीरा डाल देना है। मिठास के लिए आप कुछ डालना चाहे वो डाल सकते हैं और आपने खाली पेट ये पी लेना है। और आपको ये पीना है, जैसे मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है और इससे ना वेट लॉस होगा ना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये सेफ है। ठीक है, ये आपको खाली पेट शुरू करना है, डेढ़ दो महीने में रिजल्ट इसके आपको विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे पीना है। अब क्योंकि ये फूलता है तो एक चम्मच से ज्यादा नहीं पीना है आपको, एक चम्मच डाल के, क्योंकि अगर एक चम्मच से ज्यादा पियोगे तो चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये फूलता है पेट में जाके हमारे पेट के लिए ठंडी तासीर को होता है, पेट को ठंडक भी देता है, फूलता है। तो कोशिश करना कि जब आप गोंद का तीरा ये खा रहे हो, एक चम्मच ही खा रहे हो चाहिए, अपना पानी 2 से 3 लीटर डेली पीना वो जरूरी हो जाता है। और किन लोगों को ये नहीं पीना चाहिए, अगर किसी को अस्थमा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, लाइक सांस ढंग से नहीं आती है या अस्थमा की दिक्कत है, ऐसे लोगों को ये अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि फूलता है कई बार तो चोकिंग वगैरह की सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनको ये अस्थमा है या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, ये सांस लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत है, और लोगों को इसका कोई 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 नुकसान नहीं होने वाला। एक चम्मच से ज्यादा नहीं पीना है, और एक चम्मच से ज्यादा नुकसान भी क्या करेगा, मतलब वही चीज है ना कि आपको भरी भरी लगेगा पेट में, नुकसान तो इसके कोई वैसे नहीं होते दूसरी तरह के। चोकिंग मैंने इसलिए बोला, अस्थमा वगैरह लोगों को वैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको दिक्कत दे सकता है। मेरा फर्स्ट था बताना किनको अवॉइड करना चाहिए और किनको पीना चाहिए। एवरी टाइप, एवरी पर्सन, एवरी टाइप लड़की इसको पी सकती है, चाहे वो 14 साल की लड़की जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना चाहती है, चाहे वो 30 साल की लेडी है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट करना चाहती है, कोई भी पी सकता है। एक चम्मच समथिंग जो आपने पीना है, या आप 1.5 से 2 महीना ट्राई करके देखना, और आप यहीं पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करने आओगे कि रिजल्ट मिला, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो में इतनी सारी शेयर की हुई है मैंने, उन पे भी लड़कियों ने बताया हुआ है कि रिजल्ट मिले। पर जैसे हमेशा बॉडी टू बॉडी चीजें वैरी करती है, कुछ लड़कियों को अगर मैं एक रेशियो रखूं, अगर 100 लड़कियों ने कमेंट किया है तो 60 ऐसी हैं जिनको रिजल्ट मिला, 40 ऐसी हैं जिनको नहीं मिला, और कुछ कैटेगरी ऐसी है जिन्होंने ट्राई नहीं किया रेगुलर। मैंने पूछा भी, जब मैंने किसी से पूछा कि आपको रिजल्ट नहीं मिले, बोलते नहीं, मैं कि आपने पूरी शिद्दत से इसको 15-20 दिन ट्राई किया, बोलते नहीं मैम मेरे को ना इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने 2-3 दिन पिया, 4 दिन पिया, फिर छोड़ दिया। वो नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे आप वर्कआउट करते हो, आपको बॉडी बनानी हो, वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, और वैसी चाहिए आपको ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करनी हो, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। तो अगर कंटिन्यू करते हो 1.5 से 2 महीना, तो 1 से 1.5 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इट वॉज दैट लाइक वे टू सिंपल, इतना ईजी, कोई इसमें झमेला नहीं है, और ये टेस्टी भी बहुत होता है। लिक्विड वार्म मतलब रूम टेम्परेचर दूध में अगर थोड़ी सी आपने शहद, चीनी, गुड़ डाल दिया और ऊपर से एक चम्मच, ट्रस्ट मी इट्स द मोस्ट डिलिशियस ड्रिंक एवर गर्मियों में, ट्रस्ट मी। तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना उन लड़कियों के साथ जिनको आपको लगता है उसको देखने की जरूरत है, इस चीज को अप्लाई करने की जरूरत है। कमेंट्स में बताना क्या रिजल्ट्स मिले क्या नहीं ट्राई करने के बाद। ओके, एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल।